नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। आज मैं आपको गांधी आश्रम दिखाऊंगा जो अहमदाबाद स्थित है। गांधी जी जहाँ पे रुके थे, जहाँ से उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था, वो पूरे देश में घूमे थे। यहाँ से उन्होंने दांडी की यात्रा भी यहाँ से ही शुरू की थी। ऑल द फ्रीडम फाइटर्स को उन्होंने कलेक्ट किया था यहाँ से ही और जुटा के सबको लेके गए थे। यही है वो जगह। यहाँ आने के लिए आप आ सकते हो, नज़दीक में बस स्टेशन है, वाड़ज का बस स्टेशन इस साइड पे आता है और इस साइड यहाँ पे सुभाष ब्रिज करके एक स्टेशन है RTO सर्कल वाला, तो आप यहाँ से भी आ सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, काफ़ी कम लोग आते हैं बट बहुत अच्छी जगह है। ये इसके टाइमिंग्स वगैरह है, सुबह 8:30 बजे खुलता है और 6:30 को शाम को बंद हो जाता है। ये एवरी डे ओपन रहता है विजिटर्स के लिए। ये हम अंदर आ गए आश्रम के। ये पहला जो पोर्शन है, यहाँ पे पार्किंग का अलॉटेड है, यहाँ पे कार और टू व्हीलर्स की पार्किंग अवेलेबल है। ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, वहाँ पे बापू और जो दूसरे सत्याग्रह के लोग थे वो यहाँ पे रुकते थे और यहाँ पे वो खादी बनाने का काम करते थे, रेडियो चलाते थे यहाँ पे। ये पूरी जगह इसकी है, अभी पार्किंग में यूज़ होता है ये बिल्डिंग को सेक्शन। गांधी आश्रम में हलवाई, ये साबरमती नदी के किनारे पे स्थित है आश्रम पूरा। यहाँ आप देख सकते हो, सामने आपको साबरमती रिवर फ्रंट दिख रहा है। ये सब पार्किंग के लिए यूज है एरिया, मिसमैनेजमेंट है पार्किंग का काफ़ी बट चलता है। सी नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द मैप। ये पूरा मैप है आश्रम का। ये जो नंबर 1 देख रहे हो वो है संग्रहालय, जहाँ पे वो म्यूजियम जैसा बनाया है, बापू की सभी चीज़ें रखी हुई है। और ये इसके बगल में ही 5 नंबर हैं, 5 नंबर मगन निवास, ये जहाँ पे बापू रहते थे। तो वो ये दोनों सेक्शन मेन है, 1 नंबर और 5 नंबर। बाकी 2 जगह बनी हुई है, ये सीढ़ी आप देख रहे हो, वहाँ पे आप साबरमती रिवर फ्रंट पे जा सकते हो। ये गेट नंबर 2 से हम एंटर हुए, गेट नंबर 1 भी है, वहाँ से भी आप आ सकते हो, बट पार्किंग के लिए आपको गेट नंबर 2 से ही आना पड़ेगा। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा सब कुछ। ये पूरा ओपन एरिया है, बहुत ही बेहतरीन जगह है, वी शुड विजिट दिस प्लेस। विनोबा भावे करके एक व्यक्ति थे, बापू को बहुत ही पसंद थे, वो यहाँ पे रुके थे, तो उनकी जगह का ये है, यहाँ पे ही रुके थे। ये पूरा कुटीर बोलते हैं ओल्ड हाउस को, तो यहाँ पे वो रुकते थे, ऐसी छोटी सी जगह थी इनकी। ये विनोबा भावे की कुटीर है। इनके ठीक पीछे आप देख सकते हो साबरमती का पूरा व्यू आएगा। गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है साबरमती रिवर फ्रंट पे, आप जब भी आना चाहो आ सकते हो। मॉर्निंग में तो 6 बजे से पहले ओपन हो जाएगा, देख सकते हो आप, यहाँ पे फैमिली वगैरह आपको एंजॉय कर सकते हो।
रात को 10 बजे तक ये ओपन रहता है नॉर्मल पब्लिक के लिए, सब लोग आ सकते हैं। ये पूरा साबरमती है, ये आश्रम के ठीक पीछे वाला हिस्सा। यही है वो जो कमरा गांधी जी यहाँ पे बैठते थे, यही वो रेटियो है, वो यहाँ से वही चलाते थे बापू, यहाँ पे रेटियो चलाते थे, यहाँ पे रुकते थे। ये लॉक्ड है तो नहीं जा सकते अंदर, वैसे का वैसा ही जैसे बापू यूज़ करते थे। अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। ये पूरा आश्रम का रूल्स रेगुलेशन का लिस्ट है, पूरा गुजराती में है। ये है बापू के बनाए हुए, बापू के हैंड राइटिंग में, और इसको ठीक करके यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हिंदी में भी अवेलेबल है ये बापू के हैंड राइटिंग, फिर ये गुजराती है, ठीक हिंदी और इसका इंग्लिश। जो भी आश्रम निवासी थे उनको ये सब फॉलो करते रहना पड़ेगा। कर कस्तूरबा का ये कमरा है जहाँ पे कस्तूरबा रहते थे। ये ठीक वैसा के वैसा ही, नहीं फ्लोर चेंज किया, नहीं कुछ नहीं, दरवाजे बारियाँ रूप सब सेम है, वैसा का वैसा ही ओरिजिनल जो पहले था। ये गेस्ट का कमरा है जहाँ पे बापू को मिलने के लिए कोई गेस्ट आते थे तो यहाँ पे रुकते थे। ये रसोई घर है, किचन बोलते देख सकते हैं। ये यहाँ पे मटकी वगैरह रखी जाती थी पहले। ये पुराने ज़माने की डिज़ाइन है, इंडियन ट्रेडिशनल डिज़ाइन। तो बापू ने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की थी वो सब है इस उनके जूते हैं। आगे म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम थोड़ा बता दो जहाँ पे झांकियाँ लगी हुई है, बाकी जो आश्रम की हिस्ट्री है, कौन आया था, बापू ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी, वो उसकी सब डिटेल है। बहुत ही बढ़िया प्लेस है, यहाँ पे आपको चारों ओर पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे।
फुल ग्रीनरी मेंटेन की हुई है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए। ये म्यूज़ियम जैसा बनाया है, ये बापू के टाइम पे नहीं था, बट टू अवेयर द पीपल व्हाट दे आर डूइंग इन दैट टाइम, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे बापू के टाइम पे आश्रम निवासी, और ये सभी फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के, तो उसकी सभी डिटेल में यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मॉडर्न मतलब अभी बना हुआ है, अभी नहीं काफ़ी साल हो गए, बट बापू के टाइम पे नहीं था ये। ये देखिए ये स्ट्रक्चर जैसा बनाया है, ये पूरा आश्रम का डेमो पीस है। नदी जा रही है यहाँ पे, ये सब आश्रम की जगह है। बहुत ही खूबसूरत जगह, इस आश्रम के पास में ही एक और जगह है जो दांडी ब्रिज बोलते हैं उसको, जहाँ से बापू ने दांडी यात्रा शुरू की थी, वो ब्रिज भी मैं दिखाऊंगा। थोड़ा दूर है यहाँ से, पैदल आप जा सकते हो, काफ़ी कम लोगों को पता होता है, वो जाते नहीं हैं। यहाँ पे सूज निकालना ज़रूरी रहता है, मगर बोलते हैं यहाँ पे बापू रुकते थे। ये खादी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है, बापू कैसे रेडियो चलाते थे, और जो आश्रम के निवासी थे तो यहाँ पे ये रेडियो की सभी मॉडल्स रखे हुए हैं। ये आश्रम को नया अंदाज दिया गया है, ये जो पुराने मशीन थे ये पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अहमदाबाद पहले बहुत जाना जाता था, तो ये स्पिनिंग और वगैरह उसके स्पिनिंग वीविंग मशीन जो पुराने थे वो है। यहाँ पे सैंपल्स भी रखे हुए हैं, ये धागा जो यूज होता है खादी बनाने के लिए। ये पीछे छोटा जगह है, यहाँ पे नहीं कार्यक्रम होते रहते हैं। थाने में 22 पुलिस वालों को लोगों ने जला दिया था, तो गांधी का सब विरोध कर रहे थे, नेहरू विरोध कर रहे थे, आजाद विरोध कर, सब लोग कह रहे थे, जिन्ना विरोध कर रहे थे कि आंदोलन आगे चलाइए, हम जीत लेंगे। गांधी जी का अभी गांधी जी को 150 साल हुए, तो उसके बारे में ये प्रोग्राम हो रहा है, छोटा सा लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आप यहाँ से जा नहीं सकते रिवर फ्रंट पे, आगे एक रास्ता है वहाँ से सीधा रिवर फ्रंट पे जा सकते हैं, यहाँ पे जाने का मनाही है।
ये प्रार्थना भूमि है। यहाँ पे सुबह में और शाम को बापू प्रार्थना करते थे। बापू और जो आश्रम के निवासी थे सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे और प्रार्थना करते थे। अगर आपको खादी की चीज़ें खरीदनी हो तो भी यहाँ पे अवेलेबल है। सामने एक बड़ा सा खादी का स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हो खादी की जो भी आपको कपड़े वगैरह जो भी चाहिए वो। अभी तो रेडीमेड खादी के कपड़े भी अवेलेबल हैं और आपको सिर्फ फैब्रिक चाहिए तो भी मिल जाएगा। और ये बुक स्टॉल है, बापू के ऊपर जो भी बुक्स लिखी गई है और इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे जितने भी, उनके ऊपर जो भी बुक्स अवेलेबल है बच्चों बूढ़ों और यंगर्स के लिए, सभी बुक्स आपको यहाँ पे मिलेगी इन रीजनेबल कॉस्ट। कुछ मॉडल्स भी हैं बापू के, तो वो भी खरीदना चाहिए तो खरीद सकते हो। ये देखिए यहाँ पे खादी की शॉप है, ये इनसाइड द आश्रम है और एक बाहर भी है प्राइवेट, ये आश्रम का शो है। तो आपको खादी की कोई भी चीज़ सभी तो नहीं अवेलेबल होगा बट मैक्सिमम थिंग्स ये लोग रखते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से खरीद सकते हो। सामने एक बड़ा वाला स्टोर है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये था फुल डिटेल लुक ऑफ साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी आश्रम बोलते हैं इसको। अगर आपको किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे पूछिए, आई विल आंसर। कई भाई प्रोग्राम आश्रम अंदर अँ सीधा